व्हाट्सअप गाइज, हाउ आर यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है कोलैबोरेशन प्रोडक्ट पार्ट टू। पार्ट वन वाला वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो लिंक के थ्रू आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। आज मैं आपके साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ वो मोस्टली वन ब्रांड की होने वाली है। अगर आपको देखना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। मैं आपके साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर करूंगी सारी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो लिंक के थ्रू आप प्रोडक्ट देख सकते हो, प्राइस देख सकते हो, और अगर प्रोडक्ट परचेस करना चाहो तो परचेस भी कर सकते हो। साथ ही में ये सारे प्रोडक्ट में से मेरी फेवरेट कौन सी है, मुझे कौन सी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं उसको रीपरचेस करने वाली हूँ, साथ ही में कौन सी प्रोडक्ट मेरे पे वर्क करती है, सब कुछ आज मैं आपके साथ इन डिटेल्स में शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, हाय माय नेम इज अंकिता। आपको मेरे चैनल पर मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, डीआईवाई, फैशन, लाइफस्टाइल बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, तो मेरे चैनल पर आइए, आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी, चलिए जल्दी से मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आज आपके साथ मैं क्या क्या शेयर करने वाली हूँ, कौन सी प्रोडक्ट मुझे एज अ ब्रांड ने फ्री गिफ्ट सेंड करी है कोलैबोरेशन के लिए। चलिए जल्दी से देखते हैं। अभी मैं आपके साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ वो बेसिकली एक ही ब्रांड की होने वाली है, क्योंकि वो ब्रांड के साथ मैंने काफी ज्यादा काम किया है और वो ब्रांड है बी बॉडी वाइज। यहाँ पर आपको उसका लोगो मिल जाएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं वो वाली ब्रांड के साथ काफी ज्यादा वर्क करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उनके बॉडी वॉश। मुझे 3 रिसीव हुए थे, मैंने पर्सनली उनका जो ये वाला बॉडी वॉश है 1% सिलासिलिक एसिड बॉडी वॉश, उसके ऊपर प्रॉपर रील शूट करके डाली थी, जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मुझे उनके 3 बॉडी वॉश रिसीव हुए थे, मैंने एक शायद किसी को गिफ्ट कर दिया है। सो अभी मेरे पास 2 है, मैं इसको यूज नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बॉडी वॉश है जो मैं यूज कर रही हूँ और वो है पल्मोलिव का। वैसे वो मैंने परचेस किया था बट वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा है, काफी माइल्ड है। ये वाले मैं जब भी यूज करूंगी शॉर्ट के थ्रू इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे मैंने इसका रील डाला है तो मैंने इसको थोड़ा बहुत यूज किया है, काफी अच्छे से आपके स्किन के ऊपर जो भी डॉट है उसको निकालेगा, साथ ही में आपकी स्किन में एक अच्छा सा नरिशमेंट भी छोड़ेगा। तो ये बॉडी वॉश यूज करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने वाली, साथ ही में एकदम माइल्ड से या फिर आप नो फ्रेग्रेंस भी बोल सकते हो वैसा यह वाला इसका फॉर्मूला है, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही में आपको अगर आपकी स्किन सेल्स में कोई भी इश्यू है या फिर आपकी स्किन में या फिर आपके बैक में आपको एक्टिव एक्ने या फिर एक्ने का इश्यू है तो ये बॉडी वॉश आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो। इसका लिंक आपको मिल जाएगा और इसका प्राइस इतना भी ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस है 349 और ये हमको 250 ml की क्वांटिटी में मिलता है और विजिबल है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका कलर सब कुछ दिखाई देगा, पंप वाली बोतल में है तो इसको निकालना भी काफी ज्यादा इजी है। मैं आपके साथ बी बॉडी वॉश की मेरी फेवरेट प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ और वो है बी बॉडी वॉश का 1% केटेकोनाजल डेंड्रफ शैम्पू, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ से प्रेस करना है और यहाँ से इसकी प्रोडक्ट बाहर आएगी, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको पूरा यूज कर लिया है, काफी ज्यादा अच्छा वाला शैम्पू है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, पानी के साथ इसको मिक्स करती हूँ एंड देन मेरे बालों में अप्लाई करती हूँ और फिर मैं मुझे ये वाली बोतल के साथ मुझे ये स्कैल्प मसाजर रिसीव हुआ था उसको मैं अच्छे से मेरे स्कैल्प में मसाज कर लेती हूँ ताकि जो भी डेंड्रफ है मेरे स्कैल्प में जितना हट सकते हैं सब कुछ अच्छे से हट जाए। बट ये शैम्पू यूज करने के पहले मैं यूज करती हूँ बी बॉडी वॉश का एंटी डेंड्रफ लोशन, जो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा है। यहाँ से आपको प्रोडक्ट इसकी मिल जाएगी, आपको सिर्फ यहाँ से प्रेस करना है, प्रोडक्ट आएगी। आपको क्या करना है, इस तरीके से जो आपको यहाँ पर पार्ट दिखाई दे रहा है सीधा आप अप्लाई कर सकते हो इसको। आपको पूरे बालों में 1 स्पून जितना ही ये वाले प्रोडक्ट को यूज करना है, काफी ज्यादा अच्छा है। इसको यूज करने के बाद आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, आपके बालों में बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। इसके बाद आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हो एंड देन आपका जो भी फेवरेट शैम्पू है वो यूज कर सकते हो। मैं इतना बोलूंगी कि ये शैम्पू के यूज के बाद मेरे बालों में 80% तक डैंड्रफ कम हो चुका है, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मेरे बालों के लिए स्पेशली मुझे ये वाली रेंज काफी ज्यादा अच्छी लगी।
मुझे ये वाले दो रिसीव हुए थे, दूसरा अभी मैंने जब कोलक के तब मुझे ये सेम वाला प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, बट इसको भी मैंने मेरे भाभी को गिफ्ट कर दिया है। सो मेरे पास ये एक ही है, काफी अच्छा है। अगर आपको स्केल्प में डर्ट नहीं चाहिए, आपको अपना स्केल्प क्लीन चाहिए, तो आप ये वाला परचेस कर सकते हो, मस्ट बाय, काफी ज्यादा अच्छा है। इसको क्लीन करना, यूज करना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे ये ब्रश पार्ट वाले, इतने ज्यादा सॉफ्ट है, आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा, साथ ही में आपके स्केल्प को ब्यूटीफुली क्लीन करेगा। तो मुझे ये वाला काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं सोच रही थी इसको परचेस करना अमेजोन से, बट मुझे ये महादेव की कृपा से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में रिसीव हुआ है। मुझे बेसिकली मैंने शूट किया था ये वाला लोशन, उसके साथ में मुझे ये दो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिली है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि बी बॉडी वाइज की जो भी हेयर केयर की प्रोडक्ट है ना, वो आप ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट मिला है एक प्रोडक्ट को लेके। मैं बात कर रही हूँ हेयर हेल्थ गुमिस के बारे में, जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। मैं इसको पूरा खत्म कर चुकी हूँ, मोस्टली मेरे पास 4 से 5 ही ये गुमिस बची है, जो मैं पर्टिकुलर हर रोज बिना भूले इसको लेती हूँ। आज भी मैंने ले लिया है वीडियो शुरू करने से पहले। ये मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इसके यूज के बाद आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पर आपको जो भी ये बेबी हेयर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसी के यूज के बाद मुझे ये बाल मिले हैं। मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा हेयर लॉस हो चुका है बिकॉज ऑफ द पीसीओडी, बट इसके यूज के बाद मेरा हेयर लॉस कम हुआ है। मुझे नया नया मेरा बाल, मतलब जो ये बेबी हेयर है वो आपको देखने को मिलेगा। मेरे बाल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि पहले जब मैं बालों को कॉम करती थी तब बाल आधे आधे कट के छूट जाते थे, तो वो अभी मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो अगर आपको हेयर लॉस का ज्यादा इश्यू है तो आप डेफिनेटली इसको एक ट्राई कर सकते हो, बिना भूले 30 दिन तक आप इसको लीजिए, आपको विजिबल डिफरेंस दिखा देगा। मैं आपको श्योरली बता रही हूँ, आप एक बार जरूर 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 परचेस करें। अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओडी नहीं है, आपके बाल टूट रहे हैं या फिर आपके बाल डैमेज हो रहे, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मुझे काफी ज्यादा पर्सनली अच्छा लगा है। मैंने स्पेशली यूज किया, मतलब मुझे स्पेशली प्रोडक्ट जब रिसीव हुई वो ये वाली थी, हेयर ग्रोथ सीरम रोल ऑन वाला। कुछ नया फॉर्मूला उन्होंने निकाला है, ये भी काफी अच्छा है। मैंने इसको सिर्फ रील के लिए ही यूज किया है, उसके बाद यूज नहीं किया, क्योंकि मैं अभी यूज करी उनका एंटी डैंड्रफ वाला प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई ये रोल ऑन में आता है। इसको आप इजीली अपनी स्केल्प के ऊपर यूज कर सकते हो, काफी अच्छे से आपको वही ग्रोथ मिलेगा। लाइक आप ये देखिए, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से, या फिर आपको इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, इसको आप ओवरनाइट छोड़ सकते हो। बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है, आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। अगर आपके बारे में डैंड्रफ है फिर भी आपको ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। सो ये वाली प्रोडक्ट के साथ मुझे ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, और इसके साथ मुझे एक और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिली थी, और वो है केराटिन शैम्पू, जिसको मैंने अभी तक छुआ भी नहीं है और ना ही मैंने इसको यूज किया है, क्योंकि मेरे पास डैंड्रफ वाला शैम्पू अभी थोड़ा सा बच्चा है, डेढ़ साल, उसको यूज करने के बाद मैं ये डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ। मैं जब भी इसको ट्राई करूंगी आपके साथ डेफिनेटली इसका शॉर्ट के थ्रू रिव्यू शेयर कर दूंगी। बट मैं आपको बोल रही हूँ मस्ट बाय, एक बार आप जरूर ये वाले प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। अभी रिसेंटली जो लास्ट कोलाब किया था बी बॉडी वाइस के साथ में, वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई थी। उसमें मेरी फेवरेट प्रोडक्ट थी और वो था हेयर हेल्थ गुमिस, ये वाला पैक मुझे रिसीव हुआ था, जिसको मैंने अभी तक तोड़ा भी नहीं है, क्योंकि मुझे एक बार कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में ये वाला हेयर हेल्थ गुमिस मिल चुका था। इसको मैंने ओपन कर लिया था, इसको मैं यूज कर रही थी, मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ 4 या 5 गुमिस बची है। तो इसको यूज करने के बाद मैं इसको डेफिनेटली अनपैक करके यूज करने वाली हूँ। ये वाले प्रोडक्ट के साथ मुझे 2 प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। सबसे पहले मुझे मिला था इनका हेयर ग्रोथ सीरम, जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी डैंड्रफ वाले प्रोडक्ट को पूरी कंप्लीटली तरीके से यूज कर लेना है। उसके बाद में उनका जो रोल ऑन वाला एप्लीकेटर है मेरे पास, मुझे उसको यूज करना है, उसके बाद में ये वाले प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ। मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स किसी के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इफेक्टिव लगती है। अगर ये गुमिस खाने से आपके बाल टूटना कम हो सकते हैं, आपका री ग्रोथ हो सकता है, आपके बाल मतलब हेयर लॉस होना कम हो सकता है, तो अगर हम ये सीरम और उनकी जो शैम्पू है वो यूज करेंगे तो हमारे बालों में काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स व्हाई मैंने इनकी हेयर केयर रेंज किसी के साथ भी शेयर नहीं की है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इनका जो स्केल्प मसाजर है वो मैंने मेरे भाभी के साथ शेयर किया है।
और मुझे इसके साथ ये वाले हेयर गुमीज के साथ में मुझे इनका हेयर ग्रोथ सीरम मिला है और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिला है ये वाला दो, मतलब ये दो मिला है, सीरम एंड स्केल्प मसाजर। अभी बात करते हैं डीपली ये वाले हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। ये आपको ग्लास बॉटल में रिसीव होता है, साथ ही में काफी अच्छी क्वांटिटी मिलती है। ये है 899 रुपीज का और इसमें आपको इसकी क्वांटिटी मिलेगी 50 ml, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। ड्रॉपर मिलता है तो आप इसको इजीली अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सबसे जरूरी बात कि काफी ज्यादा लाइट वेट है आप ये देखिए, और ये इतनी जल्दी स्केल्प के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, मैं आपको बता भी नहीं सकती क्योंकि मैं इसको एक बार ट्राई किया है। डेफिनेटली काफी इजीली स्केल्प के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, साथ में इसको यूज करने के बाद आपका स्केल्प बिल्कुल भी ऑयली या फिर हेवी नहीं होगा। इसको यूज करने के बाद आपको अपने बालों को वॉश करने की भी नीड नहीं है, इतना अच्छा ये वाला सीरम है। अगर आप अपने बालों में ग्रोथ ऐड करना चाहते हो तो आप ये वाला सीरम भी यूज कर सकते हो, हेयर ग्रोथ रोल ऑन भी आप यूज कर सकते हो। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपको हेयर ग्रोथ वाला रोल ऑन यूज करना है या फिर हेयर ग्रोथ वाला सीरम यूज करना है। अभी मैं आपके साथ बी बॉडी वाइस ब्रांड की लास्ट प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ और ये प्रोडक्ट मेरी इतनी ज्यादा फेवरेट है कि इसको मैंने बचा के रखा है स्पेशली मेरे लिए, किसी के साथ भी मैं इसको शेयर नहीं करने वाली। ये मुझे 3 रिसीव हुआ था अलग अलग फ्लेवर में, इसका मतलब पूरा रेंज मुझे रिसीव हुआ था ब्रांड की ओर से। मैं बात कर रही हूँ 4% AHA BHA अंडर आर्म रोल ऑन के बारे में, जो कुछ इस तरीके से इसका बाहर का पैकेजिंग है और अंदर से भी काफी क्यूटली इसका पैकेजिंग है। इसको आप इजीली यूज कर सकते हो, इजीली स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है और काफी अच्छा और प्यारा रिजल्ट छोड़ता है। बिल्कुल भी इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, इसमें 2 फ्रेग्रेंस वाले भी है, ये वाला फ्रेग्रेंस भी है। आपको इसमें एक वाटरमेलन इफेक्ट मिलेगा और दूसरा एक कुछ है वो मुझे नहीं पता। एक मेरे हस्बैंड यूज कर रहे हैं, एक मैं यूज कर रही हूँ और एक शायद मैंने किसी को गिफ्ट किया है। ये स्पेशली अगर आपकी अंडरआर्म थोड़ी सी भी डार्क है या फिर थोड़ा भी उसमें पिगमेंट है ना, तो आप डेफिनेटली पर्टिकुलर ये वाली रेंज ट्राई कीजिए 4% AHA BHA अंडरआर्म रोल ऑन। में आपको वापस एक बार और दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से इसका आउटर पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग के बोतल का, और यहाँ पर आपको रोल ऑन वाला पार्ट मिलेगा जिसकी हेल्प से आप इजिली अंडरआर्म के ऊपर उसको यूज कर सकते हो। लाइक कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट का। मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी जलन फील नहीं होगी आपके अंडरआर्म्स के ऊपर, जो कि अदर रोल ऑन में आपको होगी क्योंकि मुझे होती है। थर्ड साइड मैं आपको बता रही हूँ, मुझे PCOD है, थर्ड साइड मेरी नेक एंड अंडरआर्म्स थोड़े से ब्लैक है। मुझे ये बात बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्योंकि मुझे आज एक ऐसी प्रोडक्ट मिली है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके रेगुलर यूज के बाद मे बी कुछ टाइम के बाद मेरा अंडरआर्म थोड़ा सा लाइट अप हो जाएगा। मुझे अभी विजिबल डिफरेंस दिख रहा है, जो पार्ट बहुत ज्यादा डार्क था वो काफी लाइट हो चुका है। दैट्स व्हाई आप अगर अपना अंडरआर्म अच्छा रखना चाहते हो तो आप एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए। ये काफी अफोर्डेबल है, 399 में आपको मिलेगा और अगर आप इसको रेगुलरली यूज करोगे तो मे बी आपको 3 से 4 महीने में आपको विजिबल डिफरेंस दिखाई देगा और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस भी महसूस कर पाओ। आई होप कि बी बॉडी वाइज की इतनी ही प्रोडक्ट हो, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, अगर और भी होगी तो शायद मैं आपके साथ तीसरे वीडियो में शेयर करूंगी। अभी मैं आपके साथ अदर ब्रांड के प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। मैं मेकअप लवर, तो अभी हम हेयर केयर और स्किन केयर को साइड में रखते हैं और जो भी मुझे मेकअप की प्रोडक्ट रिसीव हुई है एज अ कोलाब के लिए, तो वो आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट इतनी ज्यादा अच्छी है, मैं इसको काफी ज्यादा यूज भी कर चुकी हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं बात कर रही हूँ कलर केमिस्ट्री ब्रांड के बारे में। मुझे रिसीव हुआ है उनका बेक्ड कॉम्पैक्ट, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्रॉपर पेपर पैकेजिंग वाला है, तो मुझे इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि जब भी हम ये प्रोडक्ट को पूरा कम्प्लीटली यूज कर लेंगे, हम इसको फेंकेंगे तो ये बिल्कुल भी अर्थ को हार्म नहीं करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट मिलने वाला है, काफी फुल ऑन पैकेजिंग है, मतलब फुलफिल किया हुआ है ये वाला कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर आपको मिरर भी मिलने वाला है। सो अगर आप ट्रैवलिंग करने वाले हो तो भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। इसके साथ में मुझे रिसीव हुआ था इनका कलर केमिस्ट्री ब्रांड का कंसीलर, जो काफी अलग फॉर्मूला है। अगेन ये आपको पेंसिल वाली पैकेजिंग में मिलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है प्राइस वाइज, क्योंकि मैंने इसके पैसे नहीं दिए, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है। और इसका फॉर्मूला लाइक अ बटर,
आप किसी को जब बटर लगाते हो ना, कितना इजीली लगा लेते हो, मतलब भर भर के लगाते हो, वैसा ही इसका फिर मतलब एकदम इजीली आपकी स्किन के ऊपर ये लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेंसिल फॉर्मूला है तो थोड़ा सा हार्ड होगा, बिल्कुल भी नहीं, काफी अच्छा फॉर्मूला है। मैंने इसको 2 से 3 बार यूज कर लिया और मैंने इसको छील भी लिया है, बाकी ये आपको शायद इतना बड़ा मिलेगा। सो मैंने इसको इतना यूज कर लिया है, एकदम मेरे स्किन टोन के हिसाब से है। इसका मैं रील यहाँ पर डाल दूंगी, आप एक बार देख लेना। इसकी और भी मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुई है, मुझे रिसीव हुए थे उनके 2 काजल, मेरे पास ब्लैक वाला था तो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया है, और दूसरा काजल मुझे ये न्यूड वाला रिसीव हुआ था जिसको मैंने मेरे पास रखा है, क्योंकि कुछ कुछ मैं जब ब्राउन वाले लुक क्रिएट करती हूँ आई लुक, तब मुझे ये काफी ज्यादा हेल्प करता है अच्छा लुक दिखाने के लिए। तो ये वाला कुछ इस तरीके से है, आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हो। सो ये वाला ब्राउन ही न्यूड वाला है, आप अगेन एक बार देख लीजिए अच्छे से, कुछ इस तरीके से है। तो मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगता था, काजल काफी कम वक्त में इजीली लग जाता है। एप्लीकेटर इतना ज्यादा स्मूथ है कि आप इसके साथ कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक आप इसको एज अ काजल भी यूज कर सकते हो, एज अ आईलाइनर भी यूज कर सकते हो, और अगर आप कुछ भी अच्छे से आई के ऊपर भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो तो ये वाली काजल के साथ आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो मैं कहूंगी कि अगर आपका हाथ अभी नया नया है आईलाइनर में तो आप इसको एक बार परचेस कर लीजिए, इसमें काफी ज्यादा आपको कलर ऑप्शन भी मिलने वाले हैं। सो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, आप एक बार जरूर चेक कर लेना। जब कंटेंट क्रिएटर वाली फील्ड में आई थी तब मुझे 2 ब्रांड ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, सबसे पहले था अर्थरिदम और दूसरा था जस्ट हब। मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जस्ट हब का जो जॉब प्लस विट ग्रीम वाला सनस्क्रीन जेल, जो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी इजीली स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, और साथ ही में यह SPF 30 PA प्लस 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 आपको ये UVA एंड UVB राइज से भी प्रोटेक्ट करने वाला है। साथ ही में ऑल स्किन टाइप है तो आप किसी भी स्किन टाइप वाले हो इसको परचेस कर सकते हो। साथ ही में एकदम इजीली स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता, साथ ही में आपकी स्किन में बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा, बिल्कुल भी पैची फील नहीं होगा। सो आप इसको इजीली यूज कर पाओगे। अगर आप घर पे रहने वाले हो, सिर्फ मोबाइल या फिर लैपटॉप पे वर्क करने वाले हो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। आज मैंने आपके साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर की वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे एब्सोल्युटली फ्री में मिली है ब्रांड की तरफ से, मैं एजेंसी के थ्रू काम करती हूँ। अगर आप ये वाली फील्ड में है लाइक मेकअप स्किन केयर हेयर केयर और आपके कम फॉलोअर्स है या फिर आपके कम सब्सक्राइबर है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर अगर आप मुझे ये वाले वीडियो में कमेंट नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप मुझे DM कर दीजिए। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो एजेंसी को लेके, कोलाब्रेशन को लेके, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगी और आपको अच्छे से गाइड भी करूंगी, क्योंकि मुझे 2 साल हो चुके हैं। और आज मैं आपके साथ एक बात और भी शेयर करना चाहती हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट के मैंने बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए हैं। और एक बात कि मुझे कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते कि तू 2 साल से लगी हुई है इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में, फिर भी तेरे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट नहीं हुए, या फिर तू कुछ भी अभी अर्न नहीं करती है, तो मतलब तेरे को क्या लगता है कि तेरे को इसमें तेरा करियर दिखाई देता है कि नहीं। तो उन सबको आज मैं एक आंसर देना चाहती हूँ, आप एक बार मेरा कोलाब्रेशन वाला Part 1 वाला वीडियो और Part 2 वाला वीडियो देख लीजिए। ये सारे जो भी प्रोडक्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पिछले 6 महीने में मिले, दिवाली के बाद मुझे रिसीव हुई है। तो आप एक बार आइए मेरे घर पे, मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कौन से प्रोडक्ट रिसीव हुए, उनकी अमाउंट मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार आप वो सारी अमाउंट जोड़ के देखिए कि कितने पैसे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जो भी प्रोडक्ट रिसीव हुए ना, वो मेरी अर्निंग ही है। अगर ये हेयर हेल्थ गुम्स की बात करूं, मुझे ये 2 पैकेज रिसीव हुए हैं, ये वाला इसका मुझे कोलैब करना था, दूसरा मुझे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट रिसीव हुए, इसका प्राइस है 499। सिर्फ और सिर्फ ये 2 पैकेज ही मुझे 1000 रुपए के मिलेंगे अगर मैं परचेस करना चाहूँ तो ये दोनों मुझे एब्सोल्युटली फ्री में मिले, तो मेरे लिए तो ये एज अ अर्निंग ही हुई। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तो आप प्लीज किसी को भी टोंट आउट करना बंद कर दीजिए। वो मतलब जो भी इंसान है उनको पता ही है कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कितने दायरे में करना है, कितने बजट में करना है, सबको सब कुछ पता ही होता है। तो प्लीज आप उनका घर नहीं चलाते, आप उनको पैसे नहीं देते, तो उनके लिए आप ये सब बोलना भी बंद कर दीजिए। बाकी हम किसी के मुंह के ऊपर कुछ नहीं डाल सकते, सो उनको बोलने दीजिए, आप अपना काम करिए।
सो यही था मेरा सिंपल सा वीडियो कोलैबोरेशन प्रोडक्ट को लेके, पार्ट वन पार्ट टू मैंने दो पार्ट में आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल के साथ में। अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी कॉन्टेंट क्रिएटर है तो आप उसके साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि अगर उनके कम फॉलोअर्स है या फिर कम सब्सक्राइबर है तो उनको भी कोलैब मिल सकता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।